नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 17 नवंबर और आज हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कल की जो करंट अफेयर थी 16 नवंबर की, वो मैं अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरे घर में थोड़े गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो उस बीच थोड़ा बिजी हो गया था, तो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी दोबारा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज सेलिब्रेटेड। तो ये जो एक इंटरनेशनल डे है जो कि यूएन रिकॉग्नाइज्ड है, जो हम लोग हर साल 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ये जो डे है आपके यूएन यूनाइटेड नेशन के द्वारा कमिटेड की गई है ताकि स्ट्रेंथ की जा सके टॉलरेंस बाय फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग कल्चर पीपल। कहने का मतलब, दो लोगों के बीच में आपस में आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो एक दूसरे की बातों को समझ सके ताकि किसी भी तरह का टॉलरेंस ना हो सके। ठीक है, तो ये जो डे है आपकी, ये बेसिकली डेडिकेटेड है आपकी महात्मा गांधी को लेके, क्योंकि वो उनकी जो मानना था कि वो पीस को लेके बात करते थे, नॉन वायलेंस को बात करते थे और इक्वलिटी को लेके, तो ये जो डे है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये उन्हीं को ट्रिब्यूट किया जाता है। तो 1994 में एज अ मार्क ऑफ 125th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट किए थे पूरे वर्ल्ड, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस किए थे, तो उसी के बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि 16 नवंबर को वो एज अ इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस सेलिब्रेट करेंगे। अगला सवाल है, नेम द लेक फ्रॉम महाराष्ट्र चूजन एज द रामसार साइट। तो रामसार साइट के लिए अभी और दो नए नाम जारी किए गए हैं, तो वो है आपके महाराष्ट्र से लोनार लेक। लोनार लेक की बात करें तो ये आपके बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है महाराष्ट्र के, जिसको चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है एज अ वेटलैंड साइट बाय द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कंजर्वेशन ट्रीटी। तो लोनार लेक क्या है, ये बेसिकली फॉर्म की गई थी आपकी एक मेटियोराइट से जो कि धरती पे आकर टकराई थी, और उसके वजह से आपका एक गड्ढा टाइप से बन गया था, और कहा जाता है कि ये है आपका बेसाल्ट बेडरॉक के ऊपर बनी हुई है, और ये लगभग आपकी थाउजेंड्स ईयर्स एगो है, मतलब हजार साल पुराना है। तो ये आपकी 365 हेक्टेयर में फैली हुई है लेक, जो कि अपने आप में स्प्रेड की हुई है 77.9 हेक्टेयर। उसके बाद इसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करती है। तो इस ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2000 को बना था, उसके बाद अभी रामसार साइट के लिए इसे चुना गया है। अगला सवाल है, फ्रॉम वेयर इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्स ऑफ QRSM सिस्टम। तो QRSM का फाइनली सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुका है, तो ये हुआ है आपका बालासोर उड़ीसा से। ठीक है, QRSM क्या है, आपके क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर, ठीक है, मिसाइल सिस्टम है जो कि बालासोर कोर्स से लॉन्च की गई है सक्सेसफुली। तो इस सिस्टम के साथ क्या होता है, आपका जो मेजर माइलस्टोन उन्होंने अचीव की है, आपकी बंसी पार्टी टारगेट एयरक्राफ्ट एट अ मीडियम रेंज एंड मीडियम एल्टीट्यूड। तो हाई, ज्यादा कोई हाई एल्टीट्यूड नहीं है, लो एल्टीट्यूड नहीं है, एक मीडियम रेंजेस में, आपका मीडियम एल्टीट्यूड में आपको इसकी टेस्टिंग की गई है। और ये जो QRSM है वो आपका डेवलप की गई है बाय द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अंडर काम की है, और साथ ही साथ भारत डायनामिक लिमिटेड के लिए भी। तो ये आपकी इंडियन आर्मी को सौंपी जाएगी। अगला सवाल है, हु रिप्रेजेंटेड द 15th ईस्ट एशिया समिट 2020। तो 15th ईस्ट एशिया 2020 का समिट रिप्रेजेंट किन्होंने किया है, तो ये किया गया है बाय द एक्सटर्नल मिनिस्टर आपका डॉक्टर एस जयशंकर। तो डॉक्टर एस जयशंकर आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को 15वें ईस्ट एशिया समिट को ऑन द बिहाफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये समिट है, ये चेयर की गई थी बाय द मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम न्योगेन जुआन फुक, जो कि अभी उन्हीं के द्वारा ये चेयर की जा रही है। तो वियतनाम की तरफ से वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसे लीड किया है। तो इसमें आपकी पूरी 18 कंट्रीज है जो पार्टिसिपेट की थी वर्चुअल मोड में, और जो जयशंकर ने कुछ हाईलाइट किए हैं रोल आपके जो अलग अलग इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज हैं, ताकि दोनों के इंडिया के साथ आपके रिश्ते थोड़ा सा और बनाए सके और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड किया जा सके। अगला सवाल है, व्हेन इज नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड। तो नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका हर साल 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बेसिकली जो डे है वो आपकी डेडिकेट की जाती है प्रेस ऑफ इंडिया को लेके, ठीक है। तो इसी दिन आपका 16 नवंबर को ही द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी एक फंक्शन एज अ मोरल वॉचडॉग टू इंश्योर
द प्रेस मेंटेन्स हाई स्टैंडर्ड एंड इज नॉट कंस्ट्रेंड बाय एनी इन्फ्लुएंस और थ्रेट। कहने का मतलब जो भी न्यूज वगैरह दी जाएगी वो किसी फेक कहने कहने का नहीं होगा और ऐसे झूठी आपकी विटनेस पे नहीं होगी, वो ठोस होगी और एक अच्छा और सही न्यूज लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ये आपकी और भी कमेंटेड करती है ऐसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लेके। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपका ये फॉर्म किया था 1966 में अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट जो कि 1978 की है। अगला सवाल है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 8th ब्रिक एसटीआई मिनिस्टर मीट। तो 8th ब्रिक एसटीआई मीट में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, तो ये किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आपको इसको मीट किया है जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपकी 5 कंट्री ने है आपके, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सभी ने मिलकर ये ब्रिक्स की जो मीटिंग्स को देखी है, जो कि मेन बात हुई थी इसमें आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके कि ये COVID-19 भी आपकी एक चैलेंज है कि उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सके, इस बारे में सारे लोगों के बीच में बात हुई है। अगला सवाल है, रिसेंटली सौमित्र चटर्जी पास द वे हुआ जी। तो सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, तो ये आपके एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं जिनको आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि इन्होंने कोलाबोरेशन किया था ऑस्कर विनिंग फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे के साथ, जिनके साथ इन्होंने 14 फिल्मों में काम किया। उसके बाद इनको बहुत सारा अवार्ड से भी दिया गया देश विदेश से। बता दें मेन अवार्ड में तो 1999 में सौमित्र चट्टोपाध्याय ने बन गए थे पहले इंडियन फिल्म पर्सनालिटी जिनको दिया गया था ऑड्रे डेस आर्टिस्ट एस डेस लेटरेस, जो कि आपके फ्रांस की हाईएस्ट अवार्ड है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, तो उनमें सम्मानित किया गया था इनको। अगला सवाल है, हु वॉन द F1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स। तो F1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का किसने जीता है, तो ये लेविस हैमिल्टन ने फिर से जीत लिया है। ठीक है, और ये इनका इस सीजन का 10वां विक्ट्री है और इनके करियर का 94th विक्ट्री है। ठीक है, तो इसी के साथ इन्होंने माइकल सुमाकर का जो लेवल था उसको इक्वल कर लिया है। तो ये जो मर्सरीज ग्रेट ब्रिटेन के जो आपके ड्राइवर हैं, इन्होंने जीत लिया है F1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी टर्किश ग्रैंड प्रिक्स इस्तांबुल में पार्क टर्के। दूसरे पायदान पे आपके सर्गियो पेरेज है जो कि रेसिंग पॉइंट BWT मैक्सिको के है। वही तीसरे नंबर पर सेबेस्टियन वेटल है जो कि फरारी से है। अगला सवाल है, वेर इज द फर्स्ट ट्रैम्प लाइब्रेरी इज लॉन्च। तो दुनिया का पहला ट्रैम्प लाइब्रेरी कहाँ लॉन्च किया गया, तो अभी बेसिकली ट्रैम्प है वो इंडिया में कोलकाता में बहुत ज्यादा फेमस है और वहां ज्यादा यूज होती है, तो इसीलिए वो आपका ये नाम इजीली याद हो जाएगा। ये आपकी वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई है। तो क्योंकि आपका यहाँ पे चिल्ड्रंस डे अभी हाल ही में हम लोगों ने मनाया है 14 नवंबर को, तो उसी को देखते वक्त तो वहां के जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड की है कि वो एक आपकी अपने जैसा पहला ट्रैम्प लाइब्रेरी ओपन करेगी बच्चों के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपके बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए होगी आपकी ये ट्रैम्प लाइब्रेरी। तो ये ट्रैम्प है जो रन करेगी श्याम बाजार से स्प्लेंडे और फिर स्प्लेंडे से गैरियट रूट्स तक, ये तीन जगह में जाएगी और पूरे साउथ नॉर्थ और साउथ कलकत्ता को कवर करेगी। ये हर दिन सुबह और शाम में चलेगी। अगला सवाल है, नेम द लेक फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू द रामसर साइट। मैंने पहले ही बताया था कि आपको कि रामसर के लिए आपके दो साइट्स को चुना गया है, तो एक तो मैंने बताया था महाराष्ट्र से लोनार लेक, वही दूसरे और उत्तर प्रदेश से कीथम लेक। कीथम लेक जो कि उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है आगरा के जिले में, वहां से चुना गया है। ये कीथम लेक को वहां के लोग सूर सरोवर के भी नाम से जानते हैं और इसमें लगभग 106 स्पीशीज अलग अलग प्रजाति के चिड़िया आते हैं इस लेक में और अपना जीवन बिताते हैं अपने जो भी टाइम होता है। तो ये वाटर लेक है, ये उनको मिलती है आगरा कैनल से। इस जो मतलब लेक में पानी आती है वो आपकी आगरा कैनल से आती है और ये कैनल ओरिजिनेट होती है आपकी ओखला बैरेज में जो कि यमुना रिवर तक जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।